और ये आज मेरा होटल जो इसका नाम है होटल फाउंटेन, ये जो कि डेमुक में है, तो आज इसका ओपनिंग है। फाउंटेन जो दोमुख में आज आप उद्घाटन किया, मैं तो आजकल देखा जा रहा है कि बहुत सारा यूथ लोग भी आगे आ रहा है आना चलना बिजनेस में, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? आपको उसको तो हम क्या बोलेगा, इसे बहुत अच्छा किया ही बोलेगा, बहुत अच्छा दिया मेरा तरफ से तो बेस्ट ऑफ लक, और अच्छा होते जाए, अच्छा से बनाया। आज से ओपन हो गया उसका होटल का, लेकिन उसको अच्छा से एक्टिवेट करना पड़ेगा, अच्छा से चलाना पड़ेगा। आपके तरफ से यूथ लोगों को क्या मैसेज रहेगा कि अरुणाचल का जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट का यूथ लोगों? हाँ, मेरा तरफ से यूथ लोगों को वही बोलेगा, क्योंकि ऐसे करके आज ऐसे वो होटल ओपन किया, ऐसे उसको देख के एग्जाम्पल करके उसका जैसा काम करना है। लेकिन यहाँ आज ये होटल ओपन किया, इसमें भी यूथ लोग के लिए बहुत अच्छा भी होगा, कोई कोई यूथ अच्छा काम करने वाला इधर भी आके सीख के काम करना है, वही हम बोलेगा। लेकिन उन लोग को अच्छा सोच होने से, अच्छा विचार होने से उसका जैसा काम करेगा, देख के काम करेगा। जैसे कि अरुणाचल में देखा जाता है कि बहुत सारा लड़का लोग मतलब पढ़ाई करके ऐसे बैठ जाते हैं, सोचता है कि हमको जो मिलेगा नहीं मिलेगा, जो मिलेगा नहीं मिलेगा, वही सोचते रहते हैं। लेकिन बहुत सारा लड़का लोग आजकल आगे भी आ रहा है, तो आपकी तरफ से क्या एक मैसेज रहेगा कि आप सिर्फ पढ़ाई करके बैठो मत, आप आगे आओ? मेरा तरफ से वही बोलेगा, क्योंकि पढ़ाई करके ऐसे बैठते रहने से कुछ नहीं होगा, मेहनत करना पड़ेगा। दोस्त लोग क्या करता है उसको धुना पड़ेगा, मेरा अपना पाँव कहाँ हरा करेगा वो धुना पड़ेगा। माँ पिता से, पिताजी से इसको करके नहीं बैठना चाहिए, अपना से कुछ करने के लिए कोशिश करना है। आजकल तो बहुत करने का जगह है, बहुत कुछ है, ये भी किया है, लेकिन ये भी तो बहुत सोच के अपना से कुछ मेहनत का फल तो अभी दिखाई दे रहा है ना उसका आज। लेकिन ऐसे करके सब यूथ को तो ऐसे ही करना है, देख के करना है, चेक करना है, विजिट करना है, उसको विजिट करके ऐसे कराए, दोस्त लोग ऐसे कराए तो उन लोग भी ट्राई करना है करने के लिए। सर आज आप भी यहाँ आया, सर ये फाउंटेन होटल का ये इनोग्रेशन है, सर आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा यूथ लोग को? सर सबसे पहले मैं ये मलिक को थैंक यू देना चाहूँगा कि मुझे इस मौके का अवसर पर बुलाया, तो बहुत बहुत अच्छी बात है। और ये देखिए, एक समय तो हमारा सिर्फ नौकरी पर डिपेंड होता था, अरुणाचल में सिर्फ एक नौकरी ही ढूंढता था, अभी हमारा यूथ आगे बढ़ रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप में आगे विश्वास रख के आगे ये कदम बढ़ा रहा है, बहुत अच्छा ये इंडिकेशन है। और हमारे यूथ का तरफ से हर यूथ को आगे आना चाहिए इस काम में, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी में आप बैठेगा उसका उम्मीद में बैठेगा, कोई कोई एज निकल जाता है, गवर्नमेंट नौकरी भी नहीं मिलता, फ्रस्ट्रेशन होता है, कोई ड्रग एडिक्ट हो जाता है, कोई इधर गलत काम में चला जाता है। इसलिए कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, एक अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, एंटरप्रेन्योरशिप में आगे आना है, इसी में एक अपना प्रोफेशन भी बनाना है, और हर यूथ को आगे आना चाहिए। और इस चीज़ से हमको बहुत एक ये क्या बोलेगा मतलब पैदा होगा कि अपने आप से भी एंगेज हो। और ये तो इनको मैं ये कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा कि इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है ना। और ये जो दोईमुख एरिया में ये होटल भी नहीं है, ये मेरे हिसाब से फर्स्ट जो कमर्शियल होटल है और आना चाहिए, इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, यहाँ का पब्लिक बाहर से आने वाला यहाँ बैठना चाहिए, और यहाँ का भी लोग जो भी हैं या जिसको ऑफिशियल काम में यहाँ रुकना पड़ता है वो यहाँ रुकना चाहिए, ये बहुत अच्छा चीज़ है। ये आज मेरा होटल जो इसका नाम है होटल फाउंटेन, ये जो कि दोईमुख में है, तो आज इसका ओपनिंग है, तो ओपनिंग कर दिया मेरा ZPC हम लोग पवन पारे का नाबुम याकूब मैडम। और एक्चुअली चीफ गेस्ट के लिए मैं DC साहब को बुलाया था, लेकिन DC साहब का कुछ मीटिंग के कारण से आ नहीं पाया है। और जितना भी आज आया है, जो विजिट कर दिया है, सभी को मैं थैंक यू, आप लोग आइएगा मेरे होटल में कुछ भी जरूरी होने से भी। और डेमू में और शायद आई थिंक होटल लॉज वगैरह ऐसा कुछ नहीं है क्या? ये एक ही होटल है कि, तो इस बार ही मैं इनोग्रेशन किया, ये खोल लिया है, तो आप सभी आइए। और हम लोग सर्विस को भी अच्छा देने के लिए कोशिश करेगा, बेस्ट टू बेस्ट ट्राई करके देने के लिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच।
जो होटल फाउंटेन है जस्ट आज ओपन हुआ है, मतलब द्विमुख एरिया में ये फर्स्ट होटल है द्विमुख का। आपको इधर सिंगल रूम एंड डबल रूम मिल जाएगा, दोनों ही एसी है। सिंगल में भी आपको एसी मिलेगा, डबल में भी एसी मिल जाएगा आपको। आपको जो फैसिलिटीज है, आपको जो भी हम लोग की तरफ से जितना भी हो सके ए टू जेड हम लोग सर्विस देने का कोशिश करेंगे, बेस्ट टू बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ कम टू विजिट होटल फाउंटेन।